कोनिग्सेग एक ऐसा कार जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। इसके बावजूद इसने काफी कम समय में ही लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना लिया। जो कोई भी लग्जरी और स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं, वो लोग इसे खरीदने की इच्छा रखते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोनिग्सेग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। नंबर 16, स्वीडिश की हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार कंपनी कोनिग्सेग की स्थापना 1994 में क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेग ने की थी, स्वीडन के स्कानिया में। नंबर 15, कोनिग्सेग ने जब इस कंपनी की शुरुआत की थी तभी ये महज 22 साल के थे, और इस कार को बनाने की इंस्पिरेशन इन्हें एक मूवी से मिली थी। दरअसल जब ये छोटे थे, इन्होंने एक एनिमेटेड मूवी देखी थी जिसका नाम था पिंच क्लिफ ग्रैंड, जिसे देखने के बाद इन्होंने ठान लिया था कि वह भी एक दिन सुपर कार बनाएंगे। दरअसल इन्होंने कभी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की थी, इसके बावजूद इनके मेहनत और लगन के चलते इन्होंने $100 मिलियन की कंपनी खड़ी कर डाली। नंबर 14, कोनिग्सेग की अब तक का सबसे सस्ता मॉडल का नाम है कोनिग्सेग रिगेरा, जिसमें ट्विन टर्बोचार्ज 5.0 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है, जो कि 1500 तक का हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिस वजह से यह कार मात्र 10.9 सेकंड में 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ लेती है। इस कार की टॉप स्पीड है 404 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें इसके प्राइस की, तो वो $1.9 मिलियन यानी कि $13.75 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की, तो वह कोनिग्सेग CCRX ट्रिबिटा, जिसमें ट्विन सुपरचार्ज 4.7 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है, जो कि 1004 तक का हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिस वजह से यह कार 254 माइल्स पर आवर यानी कि 410 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बात करें इसके प्राइस की, तो वो है $4.8 मिलियन यानी कि 34 करोड़ 74 लाख रुपए। नंबर 13, इस कंपनी के लोगों का आइडिया कोनिग्सेग को अपने परिवार के हथियारों में बने राज्य चिन्ह से मिला था, जिसे 12वीं शताब्दी में यानी कि मिडिल एज में कोनिग्सेग के परिवार द्वारा यूज किया गया था। जर्मन के साबिया में इन्होंने अपने परिवार के इतिहास के बारे में पता लगाया और 12वीं शताब्दी के रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा, और हथियारों में बने चिन्ह को ध्यान में रखते हुए कोनिग्सेग ने अपने लोगों को डिजाइन किया, और इस लोगों को स्वीडन के एयरफोर्स को ट्रिब्यूट किया, जहाँ पर कोनिग्सेग का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। नंबर 12, 2007 में आई कोनिग्सेग CCXR को इस दुनिया का सबसे पहला ग्रीन सुपरकार माना जाता है, यानी कि यह कार पॉल्यूशन नहीं करती। इस कार में 4.7 लीटर का ट्विन सुपरचार्ज इंजन लगा हुआ है। बेसिकली CCXR CCX का अपग्रेडेड वर्जन था, जिसका प्राइस था $700,000 यानी कि 5 करोड़ 7 लाख रुपए। नंबर 11, कोनिग्सेग के ज्यादातर कारों में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है इंटीरियर्स को बनाने के लिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कोनिग्सेग रिगेरा की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर से कवर्ड है, और इसके इंटीरियर्स के मैक्सिमम पार्ट्स भी कार्बन फाइबर से ही बनाई गई है। इवन इस कार के व्हील्स को भी कार्बन फाइबर से ही बनाया गया है, जिसे मिशलिन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। नंबर 10, कोनिग्सेग कंपनी अपने कार्स को बनाने के लिए कभी भी मशीन का प्रयोग नहीं करती, बल्कि इस कंपनी के मैक्सिमम पार्ट्स को हाथों से ही बनाया जाता है, सिवाय कुछ पार्ट्स के जिन्हें बाहर से मंगवाया जाता है और कार्स में इनबिल्ट किया जाता है। नंबर 9, कोनिग्सेग कंपनी हर साल 20 कारों को ही बनाती है, जिससे यह कंपनी हर साल $17 से $25 मिलियन तक कमा लेती है। अगर बात करें एम्प्लॉय की, तो इस कंपनी में कम से कम 400 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। नंबर 8, कोनिग्सेग की ज्यादातर कार ऑटोमेटिक होती है, यानी कि आप कार में बैठे बैठे अपने कार को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी अपने फोन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, दरअसल आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन की मदद से आप कार के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कार का बोनट, डिक्की, डोर्स, विंडोज, सीट्स और भी कई सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कोनिग्सेग ने 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। पहला 2002 में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल प्रोडक्शन इंजन के लिए, दूसरा 2004 में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल प्रोडक्शन कार के लिए, और तीसरा 2005 में वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट कार के लिए। दरअसल 2005 से पहले मैकलरन F1 को इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कार माना जाता था। नंबर 6, कोनिग्सेग अगेरा RS कोनिग्सेग के अब तक के बनाए गए सभी मॉडल में सबसे जल्दी बिकने वाला एकमात्र कार था, जिसे गनेमा मोटर शो में पेश किया गया था, और इस मॉडल के सिर्फ 25 कारों को ही बनाया गया था, और ये 25 के 25 कार 10 महीने के अंदर अंदर बिक गए। बात करें इसके प्राइस की, तो वो है $2.5 मिलियन यानी कि 18 करोड़ 52 लाख रुपए। नंबर 5, क्या आपको पता है कोनिग्सेग रिगेरा के एग्जॉस्ट को बाकी कारों से बिल्कुल अलग बनाया गया है, क्योंकि बाकी कार में एग्जॉस्ट सर्कल शेप में होते हैं, लेकिन रिगेरा कार में 2 एग्जॉस्ट फिन दे रखे हैं, जिसे फिश टेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये हल्का सा नीचे की ओर झुका हुआ है।
कई लोग इस कार के सेंटर वाले हिस्से को एग्जॉस्ट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट बैटरी को ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है, ताकि एयर फ्लो हो सके और बैटरी ठंडा रह सके। नंबर 4, अगर बात करें इस कार के एवोल्यूशन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 3, कोनिग्सेग के मॉडल अगेरा के की को इस दुनिया का दूसरे सबसे महंगा की माना जाता है। 2010 में लॉन्च की गई अगेरा के की के लिए अमेरिका के एक आदमी ने इस दुनिया का सबसे महंगा और अलग की बनाने को कहा, जिसमें 40 कैरेट डायमंड लगे हुए थे और इस की का प्राइस था $250,000, यानी कि 1,80,00,000 रुपए के करीब। नंबर 2, 2002 में आइकोनिग्सेग CC8S को इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट कार माना जाता है, क्योंकि इस मॉडल की सिर्फ 6 कारों को ही बनाया गया था और 6 में से 2 कार के स्टेयरिंग्स राइट हैंड साइड में बने हुए थे। इस कार में 4.7 लीटर का सुपरचार्ज्ड फोर्ड मॉड्यूलर V8 इंजन लगा हुआ था, जो कि 655 तक का हॉर्स पावर जनरेट करता था, जिसकी टॉप स्पीड थी 240 माइल्स पर आवर, यानी कि 390 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 1, कोनिग्सेग CCX अर्टिविटा को कोनिग्सेग की अब तक की बनाई गई सभी कारों में से सबसे महंगी मानी जाती है। दरअसल इस कार के कार्बन फाइबर को डायमंड डस्ट से कोटिंग किया जाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।